नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। आज नया साल 2023। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज 7 स्कूल से बच्चे आए हैं, हरियाणा से, मिरर से भी आए हैं और राजस्थान से भी आए हैं, तो बहुत खुश हूँ। नया साल, नया उम्मीद, नया आशा, बच्चों के अंदर नया उमंग है। और आज बच्चे पिकनिक मनाते होंगे, लेकिन बच्चे सब ये बच्चे मुझे मिलने आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगी। कौन सी क्लास? 10 क्लास। क्लास 10। आप क्या प्लानिंग है आपका? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। वाह, वेरी गुड। तुम ये जॉब क्रिएटर बनोगे, है ना? बहुत सारे लोगों को जॉब दोगे, है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो आगे जाके क्या बनना चाहते हो? टीचर। वाह, वेरी गुड। टीचर कोई बने आजकल के दौर के बच्चे, कोई IAS, कोई IPS, कोई बिजनेसमैन, है ना? लेकिन आप टीचर चुने सबसे अच्छा। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला होते हैं। इसलिए टीचर सदा नमस्य होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं फुटबॉल प्लेयर। वाह, प्लेयर। प्लेयर बहुत अच्छा, क्योंकि ये देश का, ये पूरा वर्ल्ड को जिताना है, है ना? बस उसी हिसाब से अपने आप को फिट बनना है, शारीरिक, मानसिक, है? केवल पढ़ाई करके मानसिक नहीं, शरीर शरीर का भी ठीक करना है और दूसरों को अच्छा, दूसरों को भी फिटनेस के बारे में ज्ञान देना। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, फिटनेस इज, है ना? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, मयंक। अरे मयंक, कौन सी क्लास? 8। क्लास 8। स्कूल का क्या नाम है? विद्यावाल भवन। विद्यावाल भवन, अच्छा अच्छा। और क्या बनना चाहते हो? मैम IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वाह, वेरी गुड। और इस तरह तैयारी है? यस। IPS बनके क्या करना चाहते हो? मैम मैं अपने देश में जितने भी मैम क्राइम्स होते हैं उसे कम करना चाहता हूँ, ताकि हमारे देश की सोसाइटी सुधर सके और हमारे देश का नाम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा हो सके, रोशन हो सके। महात्मा गांधी कहा करते थे, ए एग्जाम्पल में चारों तरफ कहती हूँ, ये सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, ये जमीन एक टुकड़ा नहीं है, जीता जगता ये भारत माता है। भारत माता के 2 संतान हैं, एक महिला एक पुरुष। जैसे शरीर के सभी अंग को हम स्वस्थ रखने के लिए पांव से लेकर सर तक प्रयास करते हैं, जो सभी अंग सभी ऑर्गन्स स्वस्थ रहता है तो उसको हम स्वस्थ शरीर कहते हैं। ऐसे ही देश को परम वैभव राष्ट्र हम जब तक नहीं कह सकते, जब तक हम महिला और पुरुष दोनों को इकोनॉमिकली, सोशियली, एजुकेशनली, हर चीज में, टेक्निकली हर चीज में उन दोनों को आगे नहीं बढ़ाए। समाज ऐसे था कि महिलाएं पीछे थे, लेकिन आज बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे कुसंस्कार समाज में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी संस्कार आने लगा। कुछ पीछे है, लेकिन पीछे वाला आगे रहने वाला के साथ कदम से कदम चलने के लिए, वो भी भागने के लिए तैयार है।
मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे अनुष्ठानों को जिन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं को आगे लाने के लिए सक्षम संस्था समिति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये वाला अनुष्ठान को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ बच्चे तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह के अनुष्ठान इसी तरह के कॉलेज खोलने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। यहाँ राज्य सरकार के मंत्री महोदया भी है केंद्र सरकार के मंत्री भी है। मैं जरूर उनके थ्रू जरूर सरकार के पास जाएगा। वो भी चाहते हैं गवर्नमेंट भी चाहते हैं महिला पुरुष दोनों सशक्त हो। इसीलिए ये सबके साथ सबके विकास का जो नारा सभी नीचे रहने वाला भी और महिला पुरुष दोनों मुझे लगता है अभी बहुत सारे महिला कॉलेज बहुत सारे कोच बहुत सारे लोग को एजुकेशन में पढ़ना शुरू किए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को एजुकेशन में अपने गर्ल चाइल्ड को को एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो भी बॉयज के साथ कंपीट करना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हम मैं भी दम है हम भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारे जब गवर्नर थी बहुत सारे कॉलेजेस जाती थी यूनिवर्सिटी जाती थी अभी भी मुझे बहुत मौका मिलता है कन्वोकेशन में जाने के लिए यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। कभी कभी गोल्ड मेडल बॉयज से भी गर्ल्स ज़्यादा गोल्ड मेडल लेते हैं। ये जो प्रयास ये जो जुनून आगे बढ़ने का जो जुनून होना चाहिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज का ये पेरेंट्स को। पेरेंट्स और भेदभाव नहीं करते महिलाओं को भी आगे बेटियों को भी आगे पढ़ाने के लिए जोर लगाते हैं क्योंकि बेटी समाज के जो व्यवस्था है ना बेटियों को दूसरे जगह जाना पड़ता है। बेटी डॉक्टर पढ़े इंजीनियर पढ़े कंप्यूटर इंजीनियर पढ़े कुछ भी पढ़े लेकिन एक ना एक दिन उनको समाज के हिसाब से दूसरे फैमिली जाना पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं उनको ज़्यादा सशक्त बनाना चाहिए।